रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखसाना है। आज हम इसकी प्रूनिंग करने लगे हैं, ये रोजेज वाला। आपको पेयर ऑफ ग्लव्स चाहिए और एक आपको कटर चाहिए। कटर इस तरह आप देखें कि क्लीन होना चाहिए, इसके ऊपर कोई जंग जंग नहीं लगा होना चाहिए, पूरा आप डिजीज़ वगैरह जो आप ट्रांसफ़र कर देते हो प्लांट्स के ऊपर। प्रूनिंग क्या होती है? प्रूनिंग जो होती है कि आप जो गली सड़ी टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उन्हें काट देते हैं, अपन कर्ज करते हो नई टहनियों को। तो आप अभी देखो कि ये जो हैं कि काफ़ी ख़राब लग रही है मुझे। अब मैंने ना इन्हें काट देना है। ये देखो, अभी मैं ना इसे यहाँ से काटूँगी। अभी हम इधर से काटेंगे 45 डिग्री एंगल से। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से इसकी जो शूट्स निकली हैं उसके ऊपर से रख के 45 डिग्री के एंगल से ऐसे काट देना है इसे। इसकी काफ़ी शार्प जो नाइफ है, ये कटर है, काफ़ी शार्प होना चाहिए। तो फिर ही आप जब प्रूनिंग करते हो तो आप अपने प्लांट को इनकर्ज करते हो नई ब्रांचेस के लिए, और नेक्स्ट ईयर जब आपके जो फ्लावर ब्लूम करता है तो काफ़ी सारे इसके ऊपर फ्लावर आते हैं। अभी मैं इसे भी इसके जो आई है उसके ऊपर मैं काटूंगी जहाँ से शूट निकलनी है, ऐसे करके। तो काफ़ी सारे डिजीज़ से भी आप रोज़ बशिश को बचा सकते हो। अभी इसको भी मैंने ऐसे इधर से प्रूनिंग जो है आप सारा साल कभी भी कर सकते हो। मैं इसकी प्रूनिंग जो है हर साल करती हूँ, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर आते हैं। अभी जो मैंने थंबनेल पे पिक्चर डाली है वो इसी की मैंने डालनी है, तो एक दो पिक्चर में ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो आप देखना कि इसके ऊपर कितने सारे फ्लावर हर साल आते हैं। ये फ्रंट पे है, सारे पूछते हैं ये क्या करती हूँ। कुछ नहीं करती, बस इसको दो दफ़ा साल में फूड डालती हूँ और इसकी प्रूनिंग हर साल मैं करती हूँ। जो गली सड़ी इसकी ब्रांचेस हैं बस मैं उनको काट देती हूँ। तो जो 100 के हिसाब से फ्लावर आते हैं, आप अभी पिक्चर में डालूंगी तो आप देख सकते हो। अभी मैं आपको ये फ्लावर दिखाती हूँ। इसके साइज़ के एक ब्रांच के ऊपर 13-14 के करीब फ्लावर आते हैं। ये अभी आप देख सकते हो कि फ़्लावर ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तो आपको प्रॉपर मैं ना वीडियो दिखाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावर आते हैं। तो जब आप प्रूनिंग कर लेते हो 15 डेज़ के बाद आप इसे फूड डाल सकते हो। बस ये छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।